हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे अकेले आइलैंड पर इकलौते घर के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए व्लॉग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग अकेले आइलैंड पर इकलौते घर के बारे में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि समुद्र के बीच में एक अकेले आइलैंड पर आपका इकलौता घर हो? दुनिया में एक ऐसा आइलैंड भी है जिसके आसपास कोई अन्य रिहायशी आइलैंड नहीं है। इस आइलैंड पर इकलौता घर है और यहां पर कोई नहीं रहता। यह अकेला और वीरान आइलैंड है आइसलैंड के दक्षिण में। यहां पर 18वीं और 19वीं सदी में कुछ परिवार रहा करते थे, लेकिन 1930 में यहां के परिवार अच्छे जीवन और रोजी रोटी की तलाश में इसे छोड़कर आइसलैंड के प्रमुख इलाकों में चले गए। इसके बाद से यह आइलैंड वीरान हो गया। इस आइलैंड पर मौजूद एक घर को देखकर एक कहानी भी सुनाई जाती है कि इस घर को किसी करोड़पति आदमी ने बनवाया है ताकि भविष्य में आने वाली जॉम्बी तबाही से बचा जा सके। इस आइलैंड का नाम है एलियाए और यह आइसलैंड के दक्षिण में वेस्ट मानाएयार आर्किपेलागो के पास आर्कटिक महासागर में स्थित है। एलियाए आइलैंड पर बने इस घर को लेकर एक बार तो यह भी अफवाह फैलाई गई कि यह वहां पर मशहूर सिंगर जॉर्क ने अपना घर बनवाया है। असल में इस घर को एलियाए हंटिंग एसोसिएशन ने बनवाया है। एलियाए हंटिंग एसोसिएशन के लोग इस जगह से मछलियों की तादाद पर निगरानी रखते हैं। इस द्वीप के चारों तरफ काफी संख्या में मछलियां पाई जाती हैं और यहां से सूचना मिलने पर मुख्य शहर से मछुआरे यहां पर शिकार करने आते हैं। एलियाए आइलैंड पर बना यह घर मछुआरों का एक समुद्री बेस है। यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है। इस घर में मछुआरों के रुकने की सारी व्यवस्था है। इस घर में रुकने के लिए हंटिंग एसोसिएशन बारी बारी से मछुआरों की ड्यूटी लगाती है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन अकेले आइलैंड पर इकलौते घर के बारे में। अगले व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।